नमस्कार, मैं हूं रिमझिम विश्वकर्मा और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम में, जहां हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। फिलहाल शुरुआत करते हैं मौसम के हाल के साथ। फिलहाल मॉनसून महाराष्ट्र के कई हिस्सों को कवर कर चुका है। आईएमडी भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश में मॉनसून जो है वो 18 जून तक आ सकता है। दक्षिण हिस्से में मॉनसून एंटर हो सकता है। आपको बता दें कि एमपी में अभी प्री मॉनसून एक्टिविटीज लगातार जारी है। कहीं बौछारें तो कहीं हवाएं हैं, लेकिन कई जिलों में गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है। सबसे गर्म टॉप 10 शहरों में आपको बता दें कि ग्वालियर, नौगांव, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी और दमोह भी उसमें शामिल है। अगली खबर पर आते हैं। राजधानी भोपाल में मंत्रियों और विधायकों के आवास निर्माण के लिए कथित तौर पर 29,000 पेड़ काटे जाने की कोशिश का विरोध जो है वो शुरू हो गया है। इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी है और वे पेड़ से चिपक कर उन्हें बचाने के अनोखे आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे समेत सब शामिल है। अगली खबर पर आते हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की पहली उड़ान आज राजधानी भोपाल में भोपाल से जबलपुर पहुंची है। जी हां, शहर आगमन पर पहली फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत भी किया गया है। पायलट, को पायलट के अलावा 6 यात्रियों को लेकर जबलपुर पहुंची पहली फ्लाइट का जबलपुर डुमना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यात्रियों में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह भी उसमें शामिल थे। अगली खबर पर आते हैं। अगले महीने इंदौर में होने वाले हैं 51 लाख पौधारोपण। उसके पौधारोपण के कार्यक्रम को वृहद स्तर पर किया जाएगा। इसमें शहर की सभी संस्थाएं भागीदारी तो करेगी ही, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए को भी इस कार्यक्रम के लिए जो है वो आमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि वही शनिवार को इंदौर आ रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। पौधारोपण के इस अनूठे कार्यक्रम की लॉन्चिंग करने वाले हैं वो। आपको साझा कर दें कि पिछले एक महीने से 51 लाख पौधे लगाने के अभियान को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार बैठकें ले रहे हैं। फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही और आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।